हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एंसिबल क्या है, टेराफॉर्म क्या है। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज डिस्क्वेशन का आंसर देना चाहता हूं जो मेरे से मोस्टली लोग पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई टेराफॉर्म ही क्यों सीखे, कोई दूसरा और टूल भी तो अपन सीख सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने का। क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि पहली चीज डिफरेंस बिटवीन द टेराफॉर्म एंड द एंसिबल, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टेराफॉर्म ही क्यों सीखे, कोई दूसरा जो ऐसा कोई टूल जिसके अंदर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे कोड लिख सके, क्योंकि ऐसे टूल्स और भी अवेलेबल हैं, तो वो क्यों नहीं, टेराफॉर्म ही क्यों। तो इन क्वेश्चंस का मैं आंसर देना स्टार्ट करता हूं कि लाइक टेराफॉर्म जो है इसके अंदर क्या है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको एज ए कोड लिख सकते हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है कि भाई जो हम टेराफॉर्म के अंदर जो कोड लिखते हैं, लाइक अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग अलग जगह पे हो सकता है, लाइक AWS पे हो सकता है, Azure पे हो सकता है, राइट, गूगल क्लाउड पे हो सकता है, VMware पे हो सकता है, ओपन स्टैक पे हो सकता है, डिजिटल ओशियन पे हो सकता है, राइट, इन सारी जगह पे हो सकता है अपना। तो टेराफॉर्म की हेल्प से क्या है आप इन सब जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, या इन सारे अलग अलग जो प्रोवाइडर्स हैं जिनका नाम मैंने आप लोगों को अभी बताया है, तो मैंने ये आप लोगों को कुछ नेम गिनाए हैं। टेराफॉर्म जो है 100 से ज्यादा प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, क्लियर। और भी बहुत सारे हैं जो आप एक टेराफॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन सब अलग अलग जगह पे अपन टेराफॉर्म के हेल्प से इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं, इन सब जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज ए कोड अपन टेराफॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो आई थिंक पहला आंसर तो ये सफिशियंट है। अब बात आती है कि गौरव भाई मेरी जो कंपनी है वो केवल AWS पे काम करती है, एंड AWS के अंदर एक सर्विस है, उस सर्विस का नाम है क्लाउड फॉर्मेशन, राइट, या फिर मेरी कंपनी जो है अज्योर पे काम करती है, वहां पे हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं। तो अगर मेरी कंपनी अज्योर पे काम करती है तो क्या मैं उसको यूज कर दूं लाइक टेम्पलेट्स को, या फिर मेरी कंपनी अगर AWS पे काम करती है तो क्या मैं केवल क्लाउड फॉर्मेशन सीख के ये सारी चीज नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है कि यस, आप कर सकते हो। भाई आपकी कंपनी अगर केवल और केवल AWS पे काम करती है तो आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, बट क्या आपकी कंपनी अगले 10 साल तक क्लाउड फॉर्मेशन यूज करेगी, राइट, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, आपके क्लाइंट से पूछना है कि भाई अपन सब क्लाउड फॉर्मेशन पे कर देंगे, एंड कुछ दिनों बाद ये बोलते हो कि नहीं यार अपने को ना कुछ रिसोर्सेज हैं जो अपने को गूगल क्लाउड पे डालने हैं या फिर अपने को अज्योर पे डालने हैं, तो उस केस में क्या, राइट, तो आपको वापस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आपको टेराफॉर्म आता है तो आप इजिली वहां के लिए भी आप कोड लिख सकते हो। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, लाइक मेरे हिसाब से तो यही सबसे अच्छा आंसर है कि भाई टेराफॉर्म के हेल्प से आप मल्टीपल जो प्रोवाइडर्स हैं वहां पे आप इंफ्रा क्रिएट कर सकते हो, बट क्लाउड फॉर्मेशंस केवल आप AWS पे कर पाओगे। जो Azure या VMware का जो Azure का जो स्पेसिफिक है वहां पे आप केवल Azure पे ही रिसोर्स क्रिएट कर पाओगे, राइट। एंड ये जो सीरीज बना रहा हूं इसके अंदर मैं इसीलिए एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट किया है, मैंने आपको इंफ्रा क्रिएट करना भी नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा कि कैसे एक TF स्टेट फाइल लिखी जाती है, जिससे क्या होगा जब मैं एंड तक पहुंचूंगा, अगर आपको AWS भी नहीं आता आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार इसने ये AWS में ऐसे किया है, मेरे को Azure के अंदर इस चीज को ऐसे करनी है, क्लियर, ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आंसर था ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, लाइक कि मैं टेराफॉर्म ही क्यों सीखूं, राइट। इन शॉर्ट अगर दो लाइन में आंसर दूं तो ये कि टेराफॉर्म से आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड अगर मैं दूसरा सबसे अच्छा आंसर दूं जो एक प्रोफेशनल आंसर नहीं है, लाइक हो सकता है यार आप आज जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे पूरा काम AWS में हो रहा हो, कल जब आप दूसरी जगह स्विच करोगे तो आपको मतलब वहां पे भी आप यही सर्च करोगे कि लाइक यार हाँ मेरे को कोई ऐसी कंपनी चाहिए जिस पे केवल AWS पे काम हो रहा है, मैं बोलूंगा कि आप टेराफॉर्म सीख लो, राइट। अब उस कंपनी में किसी भी लैंग्वेज पे काम हो आप उसके लिए टेराफॉर्म फाइल तो लिख के दे ही सकते हो। तो आई होप आपको ये आंसर भी थोड़ा ठीक लगेगा, लाइक लिख देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये आंसर कैसा लगा। तो आपको थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल जाएगी, राइट, क्योंकि आपको टेराफॉर्म आता है, अब आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड लिख सकते हो। चलो अभी मैं दूसरे क्वेश्चन के साइड चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंसिबल एंड टेराफॉर्म, राइट। तो अगर आपने मेरी एंसिबल की सीरीज देखी है तो वहां पे मैंने ये एक चीज बोली थी जब मैं मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, वैसे तो वो सीरीज मैंने आज से लगभग 2-2.5 साल पहले बनाई थी, बट मुझे पता है मैंने वहां पे ये चीज बोली है। एंसिबल मॉड्यूल के हेल्प से आप इंफ्रा भी क्रिएट कर सकते हो क्लाउड के ऊपर, राइट, लाइक वहां पे EC2 का एक मॉड्यूल अवेलेबल है एंसिबल में, एंड उसके हेल्प से आप इंफ्रा क्रिएट कर सकते हो। तो अभी बात आती है कि यार गौरव मेरे को जब पहले ही मैंने एंसिबल सीख लिया है तो अब मैं क्यों वापस टेराफॉर्म सीखूं, उसको यूज करके ही मैं मेरा जो इंफ्रा है मैं क्रिएट कर सकता हूं, राइट। तो दोस्तों देखो एंसिबल जो है वो एक अलग चीज के लिए बना हुआ है,
टेराफॉर्म एक अलग चीज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है। एंसिबल जो बना हुआ है वो प्योरली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया गया है, एंड जो टेराफॉर्म बनाया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कहाँ पे एंसिबल यूज़ करना है, कहाँ पे टेराफॉर्म यूज़ करना है। तो आपको जो टेराफॉर्म यूज़ करना है, तो टेराफॉर्म आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास कुछ भी इंफ्रा नहीं है और आपको इंफ्रा पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है। सपोज आपका एप्लीकेशन है जिसके अंदर 3 टीयर हैं, या हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, लाइक हो सकता है कि वेब टीयर हो और डेटाबेस हो, केवल इतना सा आपका इंफ्रा है। तो आपको इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक आपको 2 VM बनानी पड़ेगी, उन दोनों VM के बीच में कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपके डेटाबेस को आपको प्राइवेट रखना हो, उसको पब्लिक एक्सेस ना देना हो, राइट। तो ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये कैसे करोगे, राइट, ये जो इंफ्रा से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए आप टेराफॉर्म यूज कीजिए। अब आपके पास आपका पूरा का पूरा इंफ्रा रेडी हो गया जैसे आया है, अब उसके अंदर आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। तो जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, इस लेवल का जो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो उसके लिए आप यूज करो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल लाइक एनसीबल, राइट। एनसीबल है, शेफ है, पपेट है, राइट। तो आप इन सब का यूज कर सकते हो। अब बोलो कि यार ये सारी चीज तो मैं ना एनसीबल से भी कर दूंगा, मेरे को एनसीबल इतना अच्छा आता है, राइट। तो दोस्तों देखो, हर एक चीज को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। टेराफॉर्म को केवल और केवल इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है कि उससे इंफ्रा मैनेज हो, राइट। लाइक आप नाखून काटने के लिए नेल कटर भी यूज कर सकते हो और कैंची भी यूज कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि आप नाखून काटने के लिए नेल कटर को ही यूज करें, एंड कभी कोई कागज कपड़े वपड़े कुछ कट करना हो तो आप कैंची का यूज करें। एंड इसका जो एक वैलिड आंसर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसीबल एंड टेराफॉर्म, तो टेराफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड वाला टूल है, लाइक वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो टेराफॉर्म में, एंड एनसीबल के अंदर आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके सर्वर्स का, उसको आप डिफाइन कर सकते हो एज ए कोड। और उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक दोनों से ही आपके रिसोर्सेज तो क्रिएट हो ही रहे हैं, तो टेराफॉर्म में क्या फायदा। टेराफॉर्म जो है, जो आपका रिसोर्स है उसका जो भी स्टेट है वो उसको मेंटेन करके रखेगा। ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक कमांड चलाओगे, आपका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, एक कमांड चलाओगे सारा का सारा डिलीट हो गया। बट एनसीबल के अंदर यदि आपने जो इंफ्रा क्रिएट किया उसको डिलीट करना है आपको, तो आपको वापस से एक अलग फाइल लिखनी पड़ेगी जो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करेगी। एंड टेराफॉर्म अप्लाई करोगे, आपका इंफ्रा क्रिएट, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, आपका जो भी टेराफॉर्म का जो भी आपने इंफ्रा क्रिएट किया था वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ये चीज अगर आप एनसीबल में करोगे तो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स लिखने पड़ेंगे स्टेटमेंट एंड के लिए, राइट। ये एक आंसर है जो आपको इंटरव्यू में देना है। तो दोस्तों वापस मैं एक चीज में रिपीट करूंगा कि जब भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी, आप टेराफॉर्म से चले जाना, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनकर रेडी हो जाए टेराफॉर्म के हेल्प से, अब उसको जब कॉन्फिगर करना हो, है ना, OS लेवल पे जब कॉन्फिगरेशन करना हो, तो आपको यूज करना है एनसीबल का, क्लियर। एंड अगर देखा जाए तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड वाला टूल है एंड जो कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। लाइक एक टूल है जो पूरा इंफ्रा क्रिएट करके दे देगा, एंड जैसे ही आपका इंफ्रा क्रिएट होगा जो एनसीबल है वो उसको तुरंत कॉन्फिगर कर देगा, राइट। पूरा का पूरा पाइपलाइन बनेगा, सबसे पहले आपका इंफ्रा क्रिएट हो गया एंड जो इंफ्रा क्रिएट हुआ उसको कॉन्फिगर कर देगा एनसीबल। तो ये चीज कैसे होगी, राइट, ये सारी चीज भी अपन इस पूरी की पूरी सीरीज में देखने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, अपन टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, राइट। टेराफॉर्म इंस्टॉल में आपको दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बताने वाला हूँ, लिनक्स पे एंड विंडोज पे। तो ये जो चीज है ये मैं आपको अगले वीडियो में, अपन स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिकली काम करना, बातों का बाजार खत्म करने वाले हैं अपन। एंड इस वीडियो के अंदर मैं जो भी कोड यूज करूंगा वो कोड आपको मिल जाएगा, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करना एंड आप डायरेक्टली उस वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे आपको वो कोड मिल जाएगा। एंड वो जो जहाँ पे मैं आप लोगों को रिडायरेक्ट करूँगा वो मेरी ही वेबसाइट है learning-ocean.com या learningocean.com के नाम से। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी Ansible, Docker Swarm, राइट, एंड Kubernetes के मैं ब्लॉग्स अभी लिख रहा हूँ, Tekton के अभी ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। तो आपको डायरेक्टली DevOps से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ एज ए ब्लॉग, एंड आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे क्या है, लाइक अभी मैं Tekton पे मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, तो Tekton पे मैं जो ब्लॉग्स लिख रहा हूँ वो ब्लॉग्स अभी मैंने वहाँ पे पब्लिश नहीं किया, उस वेबसाइट पे उसका लिंक आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि Tekton का पूरे के पूरे ब्लॉग्स हैं, सपोज 23 ब्लॉग्स हैं। अब मैं पर डे एक ब्लॉग लिखता हूँ तो 23 डेज बाद मैं पूरे के पूरे मेरे ब्लॉग्स रेडी होंगे एंड मैं उस टॉपिक को ऐड कर दूंगा learningocean.com के अंदर। बट जब तक अगर आप लोगों को उन ब्लॉग्स का एक्सेस चाहिए, लाइक मैंने आज एक ब्लॉग लिखा और आपको उसी एक ब्लॉग का एक्सेस चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जो भी ब्लॉग लिखूंगा मैं उसको पब्लिश करता हूँ, तो मैं जो भी मेरा चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर है उन सबको एक मेल जाता है
कि भाई इस वेबसाइट पे एक नया ब्लॉग आया है एंड आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, राइट। तो आपको वो एक्सेस वैसे मिलता रहेगा डेली, हर एक दो दिन में आपको मेल आते रहेंगे लाइक कि भाई एक नया ब्लॉग आया है पढ़ लो। एंड मेरे मोस्टली जो ब्लॉग्स रहेंगे वो डेवऑप से रिलेटेड ही रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।